हेलो स्टूडेंट्स इलेवन द नेशनल मूवमेंट फर्स्ट फेज तो हमारी नेशनल मूवमेंट के फर्स्ट फेजियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चा इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी है बच्चा एटीन एटी फाइव में इंडियन नेशनल कांग्रेस आज की कांग्रेस राहुल गांधी वाली कांग्रेस है न उसका जो एस्टेब्लिशमेंट है जो स्थापना है वो कब हुई है 1885 में की थी ए ओ ह्यूम ने ठीक है जो कि इंडियन नहीं थे चलो तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी बचा 1885 में बनाने वाले फाउंडेशन स्टोन रखने वाले कौन थे ए ओ ह्यूम और बहुत सारे इंडियंस भी थे पर ए ओ ह्यूम भी थे चलो तो अगर मैं बात करूँ नाइनटीन सेंचुरी के सेकेंड हाफ़ की तो नाइनटीन सेंचुरी का कौन सा पीरियड होता है बच्चा वो पीरियड जो एटीन जीरो वन से स्टार्ट होके है नाइनटीन हंड्रेड पे खत्म हो उसे हम क्या बोलते हैं नाइनटीन सेंचुरी तो इस पर्टिकुलर पीरियड uh, में मतलब जो सेकेंड हाफ था नाइनटीन सेंचुरी का एटीन सिक्सटीज़ एटीन सेवेंटीज़ एटीन एटी है ना एटीन एटी फाइव में तो कांग्रेस बनी है तो यहाँ पर पोलिटिकल अवैक्टिंग आने लगी राजनीतिक रूप से लोग जागरूक होने लग गए नेशनल कंशियसनेस बढ़ने लग गई धीरे धीरे एक नई टाइप की मूवमेंट एक्सिस्टेंस uh, में आई जिसको लेड कर रही थी जिसकी लीडर थी इंडियन नेशनल कांग्रेस और धीरे धीरे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो मूवमेंट स्टार्ट किया था वो क्या बन गया बच्चा मास स्ट्रगल बहुत सारे लोग एसोसिएट होते गए और वो बन गया मास स्ट्रगल किसके लिए इंडिपेंडेंस के लिए हम बात करेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स राष्ट्रवाद क्या होता है का मतलब राष्ट्रवाद आपकी जो पेट्रियॉटिक फीलिंग होती है टू नेशन अपनी कंट्री के लिए जो पेट्रियोटिक फीलिंग होती है उसी को क्या बोलते हैं नेशनलिज्म है ना अब देखो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल करने आए तो कुछ बात पे मुगल्स रूल कर रहे थे कहीं कोई राजा रूल कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे डिफरेंट डिफरेंट रूलर थे तो एक नेशनल आइडेंटिटी नहीं थी लोगों के बीच में पर अब धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि एक नेशनल आइडेंटिटी जब हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं उस टाइम एक नेशनल आइडेंटिटी भी जनरेट हो रही है किसकी हमारी इंडियंस की सो द स्ट्रेंथनिंग ऑफ कॉमन नेशनल आइडेंटिटी अब हमारी जो कॉमन नेशनल आइडेंटिटी है वो थोड़ी स्ट्रेंथन कर रही है और इसके स्ट्रेंथन होने से जो नेशनल मूवमेंट है वो और ज्यादा ऑर्गेनाइज हो, हो पा रहा है उसका राइज और ज्यादा हो पा रहा है है ना जब तक हम समझेंगे ही नहीं कि हमें किसको आज़ाद कराना भाई अपने एरिया को कराना है इंडिया को कराना है मेरे लिए कराना है किसी और के लिए कराना है? पहले तो ये क्लियर कट डिमार्केशन डेफिनेशन होनी चाहिए ना आपके पास जैसे 1857 में भी वॉर हुआ था यहां झांसी की रानी झांसी के लिए लड़ रही थी है ना तो बेगम हजरत महल अपने अवध के लिए लड़ रही थी नाना साहेब अपनी टेरिटरी के लिए लड़ रहे थे तो अलग अलग लोग अपनी अपनी टेरिटरी के लिए लड़ रहे थे कोई भारत के लिए कोई भी नहीं लड़ रहा था नेशन एज नेशन इंडिया के लिए कोई नहीं लड़ रहा था पर यहां पर एक नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुई मतलब हम एसोसिएट करने लगे एक नेशनल आइडेंटिटी से अपने आप को जो थी वी ऑल आर द पीपल ऑफ इंडिया इट वॉज नेशनल इन कैरेक्टर वो नेशनल थी कैरेक्टर में और वो इंडियंस के एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करती थी एज अ होल ठीक है अब यहाँ पर वो जो फीलिंग थी मेरा झांसी मेरा सतारा मेरा अवध वो अब ख़त्म हो गई थी और लोग अपनी रीजनल बाउंड्री के बाहर भी सोचना स्टार्ट कर दिए थे वो सिंगल नेशन की बात कर रहे थे वो एक नेशन का पार्ट अपने आप को समझ रहे थे इस ग्रोइंग सेंस ये जो ग्रोइंग सेंस था जो फीलिंग थी नेशनलिज्म की ये जितनी ज़्यादा अगर आप में होगी उतनी ही जल्दी हमें क्या मिलने वाली थी इंडिपेंडेंस तो इस फीलिंग का बढ़ना बहुत ज़रूरी था अब हम लोग पढ़ेंगे वो फैक्टर्स जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया नेशनलिज्म इन इंडिया में ठीक है नेशनलिज्म इन इंडिया जो नेशनलिज्म की फीलिंग आई इंडिया में उनसे, कौ, उनसे कौन कौन से फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया तो पहला था डिसकंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल तो पहला फैक्टर जिसने नेशनलिज्म की फीलिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ाया वो था डिसकंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल हर व्यक्ति ब्रिटिश रूल से परेशान हो गया था क्या राजा क्या रानी नाना साहेब भी परेशान थे बेगम हजरत महल भी परेशान थी उसके बाद भी जो ये लोग तो 1857 में निपट गए ना इसके बाद भी जितने भी लोग थे राजा रानी किसान फार्मर पेजेंट्स कॉमन पीपल शोल्जर सब परेशान हैं भाई ब्रिटिशर्स से सब परेशान यू हैव रही हाउ ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेड इंडिया ये हम लोग ने पढ़ लिया ब्रिटिश ने कैसे एक्सप्लॉयट किया इंडिया को जितने भी सेक्शन थे सोसाइटी के सब सफर कर रहे थे ब्रिटिश रूल के अंदर में पीजेंट्स किसानों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा था और जो आर्टिशियंस थे उनको ख़त्म कर दिया था किसने फॉरेन कंपटीशन ने जो फैक्ट्री वर्कर्स थे उनको बहुत कम वेजेस मिलते थे ब्रिटिश हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को एनकरेज करने के लिए कुछ प्रयास नहीं करती थी वो तो सिर्फ अपने गुड्स को इंडिया में बेचना चाहती थी और हमसे बस रॉ मटेरियल लेती जा रही थी हमारे किसानों पे टैक्सेस लगाती जा रही थी लगान देखी होगी ना मूवी राधा कहसेना जले आमिर खान वाली वो ट्रीट करते थे इंडियन को एज अ सोर्स फ्रॉम वेयर रॉ मटेरियल कुड बी ऑप्टेंट बस वो ऐसे देखते थे इंडिया को कि ये वही जगह है जो हमें रॉ मटेरियल देगी वो रॉ मटेरियल हम यूरोप हमारे इंग्लैंड जाएंगे जो हमारी इंडस्ट्रीज को फीड करेंगे मतलब जो हमारी इंडस्ट्रीज की फीडर की तरह काम करेंगे है ना वहाँ पर उन लोगों ने बड़े बड़े इंडस्ट्राइजेशन करा के फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज बना ली अब रॉ मटेरियल वो ले जाने लगे कहाँ से इंडिया से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो थी एजुकेटेड इंडियंस के लिए लिमिटेड थी ठीक है बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी इंडिया को पे करना पड़ता था किसके लिए ब्रिटिश आर्मी के लिए ठीक है फॉर द वॉर दैट ब्रिटिश जितने भी वॉर लड़े ना पूरी दुनिया में भले वो फ्रांस के लड़े डच से लड़े स्पेन से लड़े या वर्ल्ड वॉर वन लड़े या वर्ल्ड वॉर टू लड़े और सबके लिए पे कौन करेगा हम इंडियंस ठीक है ये तो बहुत गलत बात थी पर ऐसा था तो क्या ही कर सकते हैं अब वो कंटिन्यूसली हमारी वेल्थ को अपनी कंट्री में लेके जा रहे थे हमारी वेल्थ से अपने खर्चों को फाइनेंस करते थे जो वाइस रॉयस गवर्नर जनरल जो इंडिया में आते थे उनको सैलरी हमारे पैसों से देते थे हमसे रॉ मटेरियल सस्ते दामों में खरीद लेते थे और हमको फिर इज गुड्स महंगे दामों में देते थे तो, तो इस तरीके से जो हमारी वेल्थ थी वो ड्रेन होने लगी ड्रेन होने लगी मतलब यहाँ से बाहर जाने लग गई और इस तरीके से इंडिया में पावर्टी गरीबी पावर्टी मतलब होता है गरीबी गरीबी इंक्रीज हो गई बढ़ गई फिर फ्रिक्वेंट फेमाइंस भी आई भुखमरी आ गई अकाल पड़ गया है ना तो जो पॉवर्टी थी वो और ज्यादा बढ़ गई और इंडिया ब्रिटिशर्स ऐसे सोचते थे कि भाई हम तो बहुत सुपीरियर हैं तो जो ब्रिटिशर्स का ऐसा समझना था कि हम बहुत सुपीरियर हैं हम बहुत अच्छे हैं ये भी हम इंडियंस को बहुत परेशान करता था ठीक है ये एटीट्यूड हमें बिल्कुल पसंद नहीं था द एटीट्यूड ऑफ सुपीरियरिटी ब्रिटिश ऑल्सो दटीट्यूडीडो लोग उसको भी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे ब्रिटिश समझते थे कि हम जो लोग हैं फेथ हम सुपीरियर रेस के हैं और जो इंडियंस हैं काले डिफरेंट डिफरेंट कलर के ये इंडियंस ये बिल्कुल इंपीरियर बने इनमें कोई नॉलेज नहीं है ये तो बिल्कुल जंगल आला हो ही है इनको कोई कुछ मतलब नहीं है कुछ नहीं आता इनको गधे हैं ये तो ऐसा समझते थे और अपने आप को बड़ा सुपीरियर समझते थे कुछ हॉस्पिटल्स और पार्गस ऐसे बनाए ब्रिटिशर्स ने हमारे अपने इंडिया में आके जिनको बोल दिया ये तो सिर्फ रिजर्व है यूरोपियंस के लिए इंडियन इनमें अलाउ नहीं है बेटा मैंने ऐसे सुना है कि गोवा में कुछ बीचेस अभी तक हैं ऐसी जहाँ पे इंडियंस अलाव नहीं है आप पता नहीं सही है कि नहीं ये आप जो गूगल पे सर्च करके बताएंगे ठीक है सर्च करके प्लीज बताएं पर चलो है ठीक है नहीं है तो भी ठीक है पर पहले तो ऐसा था कुछ हॉस्पिटल्स कुछ जो पार्क थे वो स्पेशली रिजर्व थे किसके लिए यूरोपियंस के लिए इंडियंस को नहीं आने दिया जाता था वहाँ पर फ्रेंस में कुछ कंपार्टमेंट्स रिजर्व थे वाइट पीपल के लिए आप लोगों ने गांधी मूवी देखी होगी ना हो ओ, नहीं देखी तो अपने टीचर्स को बोलो वो पब्लिक मतलब आपका जो ऑडिटोरियम होगा उसमें बैठ के सबको दिखाएंगे और अगर नहीं दिखाती आपकी मैम तो आप घर में देख लें गांधी मूवी तो उसमें दिखाया गया है कि एक बार गांधी जी चढ़ जाते हैं फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में तो उनको उतार दिया जाता है उनको ट्रेन से नीचे फेंक दिया जाता है क्योंकि वो पीछे जाने मतलब जो बाकी जो कंपार्टमेंट थे वहाँ नहीं जाते है, बोलते है, मेरा टिकट फर्स्ट क्लास का है तो मैं यहीं बैठूंगा पर अंग्रेज लोग बोलते फर्स्ट क्लास में बैठने का तो राइट सिर्फ हमारा है हम तुम्हें तो नहीं बैठने देंगे उन्होंने गांधी जी को उतार ही दिया ट्रेन से इस बात में इंडियंस को अलाउ नहीं किया जाता था उनके पास उन कंपार्टमेंट्स में, में ट्रैवल करने को ये जो गांधी वाली मूवी की मैंने जो बात बताई गांधी जी को जो उतारा था वो हमारे इंडिया में नहीं हुआ था वो कहाँ पर हुआ था बेटा साउथ अफ्रीका में जहाँ गांधी प्रैक्टिस के लिए गए थे जितने भी फैक्टर थे इससे लोगों के मन में डिसकंटेंट बढ़ता गया बढ़ता गया और अपोजिशन जो था ब्रिटिश रूल के लिए वो बहुत ज्यादा बढ़ गया पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ कंट्री हमारी कंट्री का अब हमें यूनिफिकेशन करना है पॉलिटिकल यूनिफिकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन एंड चलो 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 करेंगे अब हम यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया इंडिया यूनिफाइड हुआ अंडर ब्रिटिश रूल एज़ वन यूनिट ठीक है बेटा जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे ना तब तक ऐसा मराठा एम्पायर अलग है औरंगज़ेब का दिल्ली अलग है है ना फिर बेगम हजरत महल एल अलग रूल कर रही हैं झांसी अलग रूल हो रहा है तो अलग अलग टेरिटरीज़ थी अलग अलग एम्पायर थे नेशनल फीलिंग नहीं थी पर ये तो अच्छा हुआ कि अब हम लोग यूनिफाई हो गए अंडर ब्रिटिश रूल जो ब्रिटिश थे उन्होंने यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इंट्रोड्यूस किया थ्रू आउट द कंट्री पूरी कंट्री में एक ही तरीके से नियम कानून चलेंगे ये किसने इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिशर्स ने लॉ एट लीस्ट इन थ्योरी वॉज यूनिफॉर्मली अप्लाइड टू ऑल लॉज जो होते हैं वो थ्योरी में जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे तो अगर हम देखें कि चलो रियल में हो रहा था कि नहीं पर इन थ्योरी तो ये सब पे यूनिफॉर्मली अप्लाई होते थे जो इकॉनमिक लाइफ थी इंडियंस की वो इंटरलिंक थी किससे मॉडर्न इंडस्ट्रीज से, इंडस्ट्री से पूरे कंट्री में जो लोग थे वो अपने घरों को अपने गांव को छोड़ छोड़ कर आ रहे थे कहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए बाय वर्किंग एंड ट्रैवलिंग टुगेदर जब वो काम करने आ रहे हैं साथ में ट्रैवल कर रहे हैं कास्ट कम्युनिटी और जो रीजनल फीलिंग थी वो धीरे धीरे वीक होती गई ठीक है यहाँ का बंदा भी यहाँ काम करने आया है यहाँ का बंदा भी यहाँ काम करने आया है ये डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग करते हैं ठीक है डिफरेंट रीजन रीजन मतलब जगह और रिलीजन मतलब धर्म, दो धर्म भी अलग है रिलीजन भी अलग है उसके बाद भी जब यहाँ आके साथ में काम करते हैं अपने दुख सुख बांटते हैं बेटा तो इनकी जो रीजनल फीलिंग थी रिलीजन को लेके भी फीलिंग थी वो धीरे धीरे कास्ट वास्ट पीछे छूट जाती है और ये आपस में मिलजुल के रहने लगते हैं अब बेटा इन लोगों में आपस में सॉलिडारिटी की फीलिंग बढ़ रही है क्रिएट हो रही है टुगेदरनेस डेवलप हो रही है एक दूसरे के साथ रहेंगे सॉलिडारिटी का मतलब होता है एकजुटता ठीक है एक जुटता मतलब हम लोग एक हैं एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे साथ में रहेंगे ये वाली फीलिंग डेवलप हो रही है जो रेलवे थी टेलीग्रे टेलीग्राफ था पोस्टल सिस्टम था इसके थ्रू भी एक दूसरे के साथ लोगों के कांटेक्ट बढ़ गए बच्चा आज भी रेलवेज में देखना बहुत सारे रीजन के अलग अलग रीजन के लोग यहाँ वहाँ आके रहते हैं है ना एक कॉलोनी होती है रेलवे की कॉलोनी जहाँ पर अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को रेलवे क्वार्टर अलॉट करती है ना तो इसके थ्रू भी मेल जोल लोगों में बढ़ गया लोगों ने रियलाइज़ किया कि जो ब्रिटिश रूल है वो रिस्पॉन्सिबल है उनकी सफरिंग्स के लिए ठीक है तो धीरे धीरे लोगों को अभी एक बात तो समझ में आ गई कि भाई हमारी परेशानियाँ हैं हमारी परेशानियों की जड़ कौन है ये ब्रिटिश रूल हमारी सफरिंग्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है ब्रिटिश और ये जो ब्रिटिश के अगेंस्ट में जो सेंटीमेंट जनरेट हो रहा था लोगों के बीच में जो एंटी ब्रिटिश फीलिंग थी एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट था वो एक मेजर फैक्टर था जिसने नैशनलिज़म के राइज में कंट्रीब्यूट किया अगर कहीं नेशनलिज़म का राइज़ हुआ तो उसके लिए एंटी ब्रिटिश मूवमेंट एंटी ब्रिटिश फीलिंग एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन अगर हम मॉडर्न एजुकेशन की बात करें तो उसके स्प्रेड ने भी हेल्प किया है नेशनलिस्ट फीलिंग को राइज करने में नेशनलिस्ट फीलिंग को राइज करने में मॉडर्न एजुकेशन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन को कि वो इंडिया में लोगों को प्रिपेयर कर सके कि जितनी भी लोअर पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ईस्ट इंडिया कंपनी बेटा आज का गूगल माइक्रोसॉफ्ट टाटा रिलायंस जियो इन सबसे बहुत बड़ी थी ईस्ट इंडिया कंपनी तो इतनी बड़ी कंपनी में काम करने के लिए इनको चाहिए थे एम्प्लॉय तो ये थोड़ा बहुत एजुकेशन हम इंडियंस को इसलिए दे देते थे, थे कि हम लो पोस्ट पर काम कर पाए एडमिनिस्ट्रेशन कर पाए किसके भी आप पे ईस्ट इंडिया कंपनी के भी आप पे ये एजुकेशन लाए तो इसलिए थे पर एजुकेशन इन पे उल्टा पड़ गया जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन को आ, प्रमोट किया तो उसके इंडिया में टू प्रपेयर सम इंडियन टू वर्क एट लो पोस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ इंडियंस को तैयार कर पाएँ जो भाई लो पोस्ट पर काम करें मतलब नीची जो लोअर पोस्ट होती है उन पर काम करेंगे थोड़ा बहुत पेमेंट लिखे ब्रिटिशर्स का ये भी बिलीव था कि अगर इंडियन को हम वेस्टर्न थाट्स वेस्टर्न एजुकेशन दे दें तो ये हमारे सपोर्टर बन जाएंगे ये हमको सपोर्ट करने लगेंगे ब्रिटिश रूल को सपोर्ट करेंगे इंडिया में तो ब्रिटिश का जो एक्सपेक्टेशन था कि मॉडर्न एजुकेशन देने से ये हमें सपोर्ट करेंगे हमारे कल्चर को प्रेस करेंगे हमारे लोअर पोस्ट पे काम करने को रेडी हो जाएंगे ये उल्टा पड़ गया द ब्रिटिश एक्सपेक्टेड दैट सिंस एजुकेटेड इंडियंस वुड बी डिपेंडेंट ऑन दैम फॉर एम्प्लॉयमेंट जितने भी एजुकेटेड इंडियन होंगे वो ब्रिटिश पे डिपेंड करेंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए तो वो हमेशा ही अंग्रेजों के लॉयल रहेंगे लॉयल मतलब वफादार रहेंगे ऐसा ब्रिटिशर्स का सोचना था क्योंकि ये पढ़ गए तो इन्हें जॉब देंगे हम और जॉब देंगे हम तो ये रहेंगे हमारे लॉयल पर भाई ऐसा कुछ हुआ तो नहीं चीजें वैसी टर्न आउट नहीं हुई जैसे ब्रिटिश एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ठीक हम एजुकेशन देंगे हमारे लिए लॉयल बन जाएंगे हमारे कल्चर को प्रेस करेंगे पर ऐसा नहीं हुआ चीजें वैसी टर्न नहीं हुई जैसा ब्रिटिश एक्सपेक्ट कर रहे थे जैसे ही वेस्टर्न एजुकेशन हम लोगों को मिला हम ज्यादा कॉन्शियस हो गए अपने राइट्स के लिए लिबर्टी के लिए फ्रीडम के लिए वर ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी जो इक्वालिटी फ्रीडम जो ब्रिटिश स्कूल में पढ़ाई जा रही थी ठीक है ब्रिटिश एजुकेशन का पार्ट थी भाई फ्रीडम इक्वालिटी इससे तो भाई हमारे इंडियन बड़े इम्प्रेस हो गए ठीक है और सबसे ज्यादा वो इम्प्रेस हुए और सबसे ज्यादा उन्हें फैक्नेटिंग स्टोरी लगी अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रेंच रेवोल्यूशन की कैसे जनरल पब्लिक ने राजा को उखड़ के फेंक दिया अमेरिकन रेवोल्यूशन कैसे उसने स्पेन और ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ाई की तो ये सब सोच के एक अलग ही टाइप का नेशनलिज्म आएगा एंटी ब्रिटिश मूवमेंट क्रिएट होगी लोग फ्रीडम की बात करेंगे इक्वालिटी की बात करेंगे और ओपनली इन लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया आलोचना करना स्टार्ट कर दी गवर्नमेंट की कि भाई ये हमारे आइडिया को सप्रेस कर रहे हैं हमें बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं दे रहे हैं तो भाई ये ब्रिटिश तो गलत है क्या क्या नहीं कर रहे हैं वो हमारे जो आइडियाज़ हैं उनको सरप्राइज़ कर रहे हैं हमें ह्यूमन राइट्स नहीं दे रहे हैं तो ये ब्रिटिशर्स हमारे साथ गलत कर रहे हैं तो इंग्लिश एजुकेशन ने यूनिफाइंग का फैक्टर का काम किया कैसे हमारे इंडिया में यहाँ मराठी थी यहाँ गुजराती थी यहाँ तमिल थी तेलुगु थी ठीक है कन्नड़ मलयालम और बहुत सारी भाषाएं थी पंजाबी थी हरियाणवी थी हिंदी थी तो हम आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे पर जब से इंग्लिश एजुकेशन आया यहाँ का व्यक्ति यहाँ से बात करता है ये व्यक्ति यहाँ बात कर सकता है क्योंकि इन सबको एक अब कॉमन बॉन्ड एक कॉमन लैंग्वेज मिल गई थी जो कि थी इंग्लिश अब भाई ये अंग्रेजों की वाट लगाने में ज्यादा सक्षम हो गए ज्यादा कैपेबल हो गए बिकॉज एक यूनिफाइंग बॉन्ड आया किसके रूप में इंग्लिश के रूप में ठीक है नहीं तो तो हम लोग अभी मलयालम सुने कन्नड़ सुने तमिल सुने तो हमारे तो समझ से ऊपर चली जाए और वो लोग हिंदी सुनते हैं तो सेम उनके साथ भी होता है मराठी भी हमें समझ में नहीं आती इवन हमें गुजराती भी समझ में नहीं आती तो फिर हम कैसे बातचीत करते आपस में तो हमने बातचीत करना स्टार्ट की किस में इंग्लिश में चलो तो इंग्लिश जो लैंग्वेज थी उसने तो यूनिफाइंग फैक्टर का काम किया क्योंकि डिफरेंट पार्ट से आए लोग इंडिया के डिफरेंट पार्ट से आए लोग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे पर अब वो कम्युनिकेट कर पा रहे थे एक दूसरे से कॉमन मीडियम था और वो कॉमन मीडियम था अंग्रेजी इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस एंड नेशनलिस्टिक आउटलुक अब एजुकेटेड इंडियंस को डेमोक्रेसी जैसी चीजें नेशनलिस्टिक आउटलुक ये सब अब उनके दिमाग में आने लग गया है कि भाई ऐसा कुछ हमारे साथ भी होना चाहिए रोल ऑफ प्रेस अब हम प्रेस की बात करेंगे है ना न्यूज़पेपर बुक्स पब्लिकेशन जो इंडियन प्रेस थी उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल था एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल था स्ट्रेंथन करने में किस को स्ट्रेंथन करने में नेशनल कंशियसनेस को स्ट्रेंथन करने में ठीक है अभी मैं जो आपको बात बता रही हूँ वो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है बाल गंगाधर तिलक के दो न्यूज़पेपर थे एक था केसरी दूसरा था मराठा ऐसे ही हमारे गांधी जी के दो न्यूज़पेपर थे एक था हरिजन और दूसरा था हेराल्ड याद रखना नाम है ना इस पीरियड में जो न्यूज़ पेपर्स आते थे वो एंटी इंडियन पॉलिसीज़ को जो ब्रिटिश की एंटी इंडियन पॉलिसी थी ब्रिटिश जो पॉलिसीज़ बनाते थे इंडियंस के ख़िलाफ़ उनको हाईलाइट करते थे और लोगों से बोलते थे न्यूज़ पेपर कि आप यूनाइट हो जाओ कॉमन कॉज के लिए लड़ो स्वतंत्रता की बात करते थे ठीक है कौन न्यूज़ पेपर्स तो जो इंग्लिश थे और जो वर्नाकुलर प्रेस थी वो मीडियम बन गई बेटा इंग्लिश न्यूज़पेपर के थ्रू भी वर्नाकुलर प्रेस के थ्रू भी हम पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज़ करने लगे नेशनलिज्म के नेशनल बॉन्ड को और ज़्यादा तगड़ा बनाने लग गए लोगों के साथ में बॉन्डिंग होने लग गई लोगों की जब वो एक दूसरे का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो सुनते समझते पढ़ते पर ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़े है ना तो वो इन सब को सरप्राइज करना चाहती थी दबा देना चाहती थी नेशनलिज्म की भी फीलिंग को पैट्रोटिज़म को तो ये सारे न्यूज़पेपर पे बैन लगाने की बात करती थी जितने भी बुक्स हैं न्यूज़पेपर हैं जो एंटी ब्रिटिश बातें लिखते हैं तो उन सब के ऊपर क्या लगा दो बैन लगा दो ये अटैम्प्ट जो था उनका वो फेल कर गया जो स्कॉलर्स थे हमारे इंडियन राइटर्स थे जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी रविंद्रनाथ टैगोर सुब्रमण्यम भारती भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र एंड अदर्स वर आल्सो इम्पोर्टेंट इन अराउजिंग नेशनल कॉन्शियसनेस और भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र जैसे व्यक्ति uh, सुब्रमण्यम भारती रविंद्रनाथ टैगोर पंकमचंद चटर्जी ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फिगर बने जिन्होंने नेशनल कॉन्शियसनेस को और ज़्यादा बढ़ा दिया इनका जितना भी नेशनलिस्टिक लिटरेचर था फ़िक्शन के जो फॉर्म थे ऐसे था या कोई भी पैट्रियाटिक पोट्री थी इसने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस डेवलप किया कि इसमें जनरल पब्लिक में जैसे अभी हम लोग पढ़े खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी है ना वो पोएम जब भी आप सुनोगे ना कभी भी आप शांति से बैठे हो तो यूट्यूब से निकाल के वो पोएम सिर्फ सुनना आपको लगेगा यार कितनी अच्छी बात है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी ऐसा करके इनके जो ऐसे थे पैट्रियाटिक पोट्री थी उसने जनरल पब्लिक को कॉन्फिडेंस दिया ना इमीडिएट फैक्टर अब ऐसा क्या हुआ ये सब तो हम बहुत सालों से सहते आ रहे थे पर अब ऐसा क्या हुआ जैसे कि जो आग थी वो भड़क गई चिंगारी आग में तब्दील हो गई तो क्या हुआ बच्चा इमीडिएट फैक्टर्स देखेंगे एटीन सेवेंटी में जो नेशनल आइडेंटिटी की जो स्पिरिट थी वो और ज्यादा गहरी होती गई डीप रूटेड होती गई लोगों के दिमाग में सब यही चल रहा था नेशनल आइडेंटिटी भारत की आज़ादी ब्ला, ब्ला जो पॉलिसीज़ थी वायसरॉय लॉर्ड लिथियन की वो ऐसी हो गई कि हमारा डिसकंटेंट और बढ़ गया अगेंस्ट ब्रिटिश में जो वॉइस रॉय लॉर्ड लिथियंस थे उनकी पॉलिसीज ने इंटेंसिफाई कर दिया हमारे डिसकंटेंट को उन्होंने सारी इम्पोर्ट ड्यूटी को रिमूव कर लिया जो भी ब्रिटेन से इम्पोर्ट करके सामान इंडिया में आता उसकी वजह से हमारा इंडियन गुड्स मार्केट में नहीं चल पा रहा था तो हमने बोला कि इनके ऊपर इन इम्पोर्ट्स के ऊपर आप क्या लगा दो भाई कुछ ड्यूटीज़ लगा दो तो उन्होंने ये सारी ड्यूटी रिमूव कर दी अब इंडिया में इंडियन गुड्स बिकेगा ही नहीं ना ब्रिटिश को नहीं बिकेगा क्योंकि वो सस्ता है तो ये गलत किया लिटियंस ने जिसने हमारी पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बर्बाद करके रख दिया फिर लिटियन ने एक और किया कि जब अफगानिस्तान के खिलाफ अंग्रेज लड़ रहे थे तो कहा था कि चलो अब पैसा तो तुम दोगे ही मेड इंडिया पे फॉर द वॉर अगेंस्ट अफगानिस्तान अफगानिस्तान के अगेंस्ट में जो वॉर चल रहा था उसके लिए भी उसने इंडिया से ही पैसा इकट्ठा किया एटीन में जब इंडिया सफ़र कर रहा था एक बहुत ही बड़ी फैमाइन आई थी बंगाल में है ना 1877 में एक बहुत बड़ी फेमाइन आई अकाल पड़ गया भुख मरी आ गई लोग स्टारवेशन से मरने लगे तो ये ब्रिटिशर्स ने उन फेमाइन में जो लोग परेशान थे उनके लिए तो कुछ नहीं किया एक ग्रैंड दरबार सजाया बेटा बहुत बड़ा दरबार लाविश इम्पीरियल दरबार दिल्ली में ठीक है अपनी पावर को दिखाने के लिए अपनी पोजिशन को दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा सा दरबार इन्होंने लगाया कहाँ पर दिल्ली में तो लोग इसलिए भी बहुत परेशान थे कि भाई जब हम भूखा मर रहे थे तब आपने हमें खाने के लिए नहीं दिया आपके पास पैसा नहीं था अभी बड़ा सा दरबार सजाया है आपने है ना तो ये तो गलत है चलो अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी वेस्टेड ऑन इट ग्रैंड दरबार दरबार सजाया था उसमें बहुत पैसा खर्चा हुआ फिर एटीन सेवेंटी एट में कुछ और ऐसा हुआ जिसने हमारे डिसकंटेंट को हमारी परेशानियों को और बढ़ा दिया वो था वर्ना प्रेस एक्ट ठीक है ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था ये हमारे जितने भी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स थे जो लोकल लैंग्वेज के जो न्यूज़पेपर थे उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाते आप है ना ये नहीं लिख सकते ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ये नहीं लिख सकते अगर आपने ऐसा लिखा तो आपकी प्रॉपर्टी हम सीज़ कर लेंगे आपकी प्रेस को हम कंट्रोल करने लग जाएंगे और दुनिया भर की धमकियाँ लोकल न्यूज़पेपर्स को इन लोगों ने दी

Both these acts from all of society, ये दोनों चीजें हम इंडियन को पसंद नहीं आती हम क्यों नहीं रखे हैं आप हम क्यों सोच समझ के लिखे हैं ब्रिटिशर्स के लिए हम तो कुछ भी लिख सकते हैं तो ये दोनों ही थे इससे पूरे इंडिया के हर सेक्शन में और ज्यादा स्ट्रोंग रिएक्शन आने लग गया अब हम देखेंगे एल्बर्ट बेल कॉन्ट्रोवर्सी एल्बर्ट बेल कंट्रोवर्सी 1883 में क्या हुआ बच्चा जो, जो लॉर्ड रिपन्स थे लॉर्ड रिपन्स लॉ में लॉ उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया जिसे बाद में क्या कहा गया बच्चा इलबर्ट बिल ठीक कोई बात जरा ध्यान से सुनना एटीन एटी थ्री में लॉर्ड रिपन के लॉ ने ठीक है लॉर्ड रिपंस लॉ उसने एक बिल इंट्रोड्यूस किया जिसे बाद में क्या कहा गया इलबर्ट बिल इस बिल के अकॉर्डिंग प्रोविजंस किए गए कि इंडियन जज भी उनके पास भी पावर रहेगा कि वो यूरोपियंस की केसेस का ट्रायल ले पाए उनके केसेस को ट्राई करें विच गेव इंडियन जजेस द तो पावर टू ट्राई केसेस इन्वॉल्विंग यूरोपियंस इमिडियटली जितनी भी यूरोपियन कम्युनिटी थी वो एगिटेशन में आ गई गुस्से में आ गई कि कैसे कोई इंडियन जज हमें ट्राई कर सकता था देखो बेटा हमारे ब्रिटिशर्स नहीं आए थे जब तक हमारे पास तो कोर्ट वोट जैसी कोई व्यवस्था थी नहीं ये सब ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आके हमारे लिए फैसला ले सकते हैं तो इंडियन जज यूरोपियंस का ट्रायल क्यों नहीं कर सकता है लोगों को बहुत गुस्सा था इस विषय में और फिर ये जो कानून था ये भी बनाने वाले ब्रिटिशर्स ही थे सर एलबर्टी थे जिन्होंने कहा कि अब इंडियन जजेस भी ट्रायल ले सकते हैं यूरोपियंस का पूरा कि पूरी के पूरी यूरोपियन कम्युनिटी ने अपोज किया इस बिल का और फाइनली कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बिल को वापस लेना पड़ा ब्रिटिशियंस यूरोपियंस ने इतना प्रोटेस्ट किया इतना प्रोटेस्ट किया कि जो गवर्नमेंट थी उसने विड्रॉ कर लिया इस बिल को इससे भी इंडियंस को प्रूफ मिला कि कभी भी ब्रिटिश रूल में तो इक्वालिटी एक्सपेक्ट हम कर ही नहीं सकते ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी इक्वालिटी प्रमोट नहीं करेगी कभी भी हमें अपने इक्वल नहीं समझेगी ऐसा किसको लगने लगा इंडियंस को बिल्कुल समझ में आ गया नाउ फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन अब हम पोलिटिकल एसोसिएशन बनाएंगे एटीन के बाद जो इंडियंस थे उन्होंने पोलिटिकल एसोसिएशन बनाना चालू किया ठीक है पहली एसोसिएशन जो बनी उसका नाम था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कब बनी 1851 में बनाने वाले कौन थे सुरेंद्रनाथ नाथ बैनर्जी ठीक है एटीन के बाद इंडियंस को लगने लगा कि अब हमें एसोसिएशन बनानी चाहिए तो पहले एसोसिएशन बनी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जिसको बनाने वाले थे सुरेंद्रनाथ नाथ बैनर्जिया बैनर्जिया सुरेंद्र बैनर्जिया कब बनी एटीन फिफ्टी वन में फिर एटीन फिफ्टी टू में बॉम्बे एसोसिएशन बनी एटीन में क्या बनी बच्चा द बॉम्बे एसोसिएशन एंड द मद्रास नेटिव एसोसिएशन दो एसोसिएशन बनी 1852 में कौन कौन सी बॉम्बे एसोसिएशन और मद्रास नेटिव एसोसिएशन ठीक है बहुत सारे एसोसिएशन फिर एटीन में बने एटीन में बने जिसमें था पूना सार्वजनिक सभा सार्वजनिक मतलब विच ओपन फॉर ऑल पूना सार्वजनिक सभा बनी इंडियन एसोसिएशन बनी मद्रास महाजन सभा बनी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनी मतलब ऐसे छोटे 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 ग्रुप और एसोसिएशन बनने लग गए कौन कौन से भी हमने पांच पढ़े हैं पहला बॉम्बे एसोसिएशन मद्रास नेटिव एसोसिएशन पूना सार्वजनिक सभा इंडियन एसोसिएशन मद्रास महाजन सभा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ठीक है जितने भी एसोसिएशन थे इसमें जो मेंबरशिप थी वो लिमिटेड थी है ना और इनके एजेंडा भी लिमिटेड थे ऑल द एसोसिएशन फॉर्म पर लिमिटेड इन बोथ मेंबरशिप एंड एजेंडा जो बात करनी है वो भी इन्हें पता नहीं है किस विषय में करनी है कौन सी करनी है कब करनी है बहुत ही लिमिटेड सोच मतलब एक लिमिटेड एरिया में काम करने वाले लिमिटेड मेम्बर्स के साथ काम करने वाले पर भी बेटा जितने भी मैंबर्स होते थे वो सारे एजुकेटेड होते थे जो अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते थे ठीक है ये पटिशन लिख लिख के सरकार से रिक्वेस्ट करते थे कि टैक्स रिड्यूस कर दो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस को बंद कर दो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेके आओ एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस को रोल दो मतलब देखो हमने बोला ना कि लिमिटेड एरिया में काम कर रहे थे पर काम तो कर रहे थे पहला क्या काम था इनका इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि टैक्सेस कम करो फिर बोला ये जो तुम भेदभाव वाली नीति अपनाती हो ये कम कर दो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेके आओ तो इंडियंस का भी एक रोल दो दो आप एडमिनिस्ट्रेशन में कि भैया इंडियन भी काम कर रहे हैं अपने लिए कई बार पटिशन्स की कुछ बातें सरकार मान लेती कई बार उसको पूरी तरह इग्नोर कर देती जो एक्टिविटीज थी ऐसे एसोसिएशन की वो स्पेसिफिक रीजन से पर्टिकुलर एरिया बाउंड्री थी बहुत ज़्यादा एरिया में एक्सपांडेड नहीं थी एक लिमिटेड एरिया में ये लोग अपना काम कर रहे थे पर हमें ज़रूरत थी एक ऑल इंडिया एसोसिएशन की जिसका बेस बहुत मास हो बहुत सारे लोग इससे जुड़ें जो इतनी स्ट्रांग हो कि अपनी डिमांड्स को सरकार के सामने रखे तो वो उसे रिजेक्ट ना कर पाए सुरेंद्र नाथ बनर्जिया ब्रॉड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया फॉर फर्स्ट फॉर द फर्स्ट ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस में सुरेंद्र नाथ बनर्जिया ने ट्राई किया कि वो बहुत सारे इंडियंस को एक प्लेटफॉर्म पे ले आए

कन्वीनड ही कन्वीन कन्वीन का मतलब होता है बुलाना ठीक है तो ही कन्वीन कॉन्फ्रेंस इन्होंने एक और कॉन्फ्रेंस कन्वीन की बुलाई जो कहाँ पर कलकत्ता में कब एटीन एटी फाइव में ये कब हुई थी बचाएटी थ्री में फिर इन्होंने एक और कॉन्फ्रेंस बुलवाई कन्वीन की कहाँ पर ही कलकत्ता में अब हम देखेंगे भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस वाइल्ड सुरेंद्र नाथ बनर्जिया वॉज बिजी इन ऑर्गेनाइजिंग द कॉन्फ्रेंस एट कलकत्ता जब सुरेंद्र नाथ बनर्जिया बहुत बिजी थे कलकत्ता में कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने में एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल थे जिनका नाम था अलान ऑक्टावियन ह्यूम जिसकी बात मैंने शुरुआत से में की थी एम क्या नाम है पुछा ए डॉट ओ डोट अलान ऑक्टावियन उसने एक मीटिंग बुलाई कहाँ पर बुलाई बच्चा बॉम्बे में, में जब सुरेंद्रनाथ बनर्जी कलकत्ता में काम कर रहे हैं तो एक ब्रिटिश रिटायर्ड ऑफिशल ऑफिशियल ने जिनका नाम था लान ऑक्ट्रावियन ह्यूम मीटिंग बुलाई बॉम्बे में ही वॉन्टेड वो चाहते थे एक ऐसा एसोसिएशन क्रिएट करना विच वुड बी अंडर द सुपरविजन ऑफ ब्रिटिश and which would let the government know the demands of Indian people, वो एक ऐसा एसोसिएशन चाहते थे जो किसके supervision में काम करे British के supervision में काम करे और British government को ये बता सके कि हम Indians की डिमांड आखिर है क्या ये कौन थे? AOU, ये AOU, थे, ये चाहते थे एम ये रहे एम ये रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशर्स थे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहते थे जिसमें सुपरविज़न कौन करे ब्रिटिश और जो इंडियंस है वो अपनी डिमांड्स को प्रॉपर वे में किसके सामने पुट कर पाए ब्रिटिशर्स के सामने पुट कर पाए क्यों ये ऐसा चाह रहे थे ये इतने प्यारे क्यों थे इतनी हमारी भलाई क्यों सोच रहे थे तो बेटा ये बिल्कुल ऐसे नहीं थे जो हमारे इंडियंस के लिए कुछ सोचे जो भी कुछ सोच रहे थे ब्रिटिश के लिए सोच रहे थे कौन ए और यू वाई ही वॉन्ट टू मेक अ ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ही वॉन्ट स्टेट टू प्रोवे इंटरने द नेशन वाइड आउटब्रेक एटीन में जैसा आउटब्रेक ब्रेक हो गया था ना वैसा कोई आउटब्रेक ना हो इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन चाहते थे कि भाई इनके बीच की जो भी बात होगी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रॉपर पता रहेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट से इनकी डिमांड्स जो होंगी ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ मान लेगी कुछ नहीं मानेगी जैसा भी करना होगा पर ये इन्होंने इंडियंस के लिए नहीं बनाई थी वो एटीन जैसा कोई रिवोल्ट नेशन वाइड रिवोल्ट आउटब्रेक नहीं चाहते थे इसलिए इसको रोकने के लिए उन्होंने क्या बना दी कांग्रेस the meeting convened by a o hume was held at gokuldas tejpal sanskrit college gokuldas tejpal sanskrit college mein meeting convened ki gayi kisne ki a o hume ne कब ट्वेंटी एट से थर्टी दिसंबर तक तो चली है कहाँ पर कब किस ईयर में एटीन एटी फाइव और यहीं हाँ पे बनती है भाई हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस

पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऐसे कुछ बुक होगी एक बार जरूर देखना गूगल पे कौन सी बुक है दादा भाई नरोजी की फिरोज शाह मेहता बद्रुद्दीन तैयब जी एस सुब्रमण्यम आयर दिन चावाच काशीनाथ त्रंबक तेलांग पी आनंद चालू गोपाल गणेश आगरकर एम वीर राग वचरिया वीर राघव आचार्य कौन बच्चा वीर राघव आचार्य फिर से नाम पढ़ रही हूँ मैं वोमेश चंद्रजी दादा भाई नो जी, जी फिर मेहता बद्रुद्दीन सुब्रमण्यम अयर देश काशीनाथ त्रियम्बक तेलांग पी आनंद चालू गोपाल गणेश आगरकर एम वीर राघव आचार्य जी सुब्रमण्यम अयर एन जी चंद वार्कर और रहमतुल्ला सयान एन जी ये सारे लोग थे जो एमिनियन लीडर थे कांग्रेस के सो so, स्टूडेंट जो कांग्रेस थी वो स्टार्टिंग में तो बहुत ही मॉडेस्ट थी बहुत मॉडेस्ट बिल्कुल पेटिशन प्रेयर की राजनीति पॉलिटिक्स करती थी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में इन्होंने सेशन लिए एक बार तो ये सारे लोग मिलते ही थे फॉर फर्स्ट फ्यू ईयर्स मीनी इंग्लिश मैन वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज़ शुरुआत के सालों में तो इंग्लिश मैन भी इन्वॉल्व रहते थे ये सारी एक्टिविटीज़ में इन द अर्ली इयर्स द मेन एम ऑफ कॉन्ग्रेस शुरुआत में जो कांग्रेस थी उसके मेन एम थे क्या थे कढ़ेंगे अब हम टू ब्रिंग टुगेदर लीडर्स फ्राम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री हमारी कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पाथ से लीडर्स को साथ में लेके आना एक पहला काम था कांग्रेस का दूसरा एक एक्शन प्लान बनाना जिससे वो ब्रिटिशर्स से कंसेशंस ले पाए तो पहला इंडिया में जितने भी लीडर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में उनको साथ में लेके आना कि वो अपनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंडिया डिस्कस कर सके फिर एक ऐसा एक्शन प्लान बनाना जो कंसेशन्स ले सके किससे ब्रिटिशर्स ये दो काम थे तीसरा चलो ये दो ही काम फिर अब आएगा मॉडरेट फेज ट्वेंटी ईयर्स तक जो हमारी कांग्रेस थी बहुत मॉडरेट थी मॉडरेट नेशनलिस्ट थे मॉडरेट डोमिनेटेड थी पार्टी मतलब बहुत ज़्यादा तेज लड़ाई वड़ाई में बिलीव नहीं रखते थे शांति से पटिशन प्रेयर में बात करते थे सुरेंद्र नाथ बनर्जिया दिन चावाच फिरोज चा मेहता गोपाल कृष्ण गोखले ये इंपॉर्टेंट मॉडरेट लीडर्स थे सुरेंद्र नाथ बनर्जिया दिन चावाच फिरोज चा मेहता गोपाल कृष्ण गोखले ये मॉडरेट लीडर्स थे दे वर मॉडरेट इन देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड अपनी मेथड्स में अपने ऑब्जेक्टिव्स में दोनों में ही मॉडरेट थे इनका भी नहीं था कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स में ठीक है कि हम ब्रिटिशर्स को समझा पाए थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड रेगुलरली अपनी पेटिशंस को किसके सामने भेजते थे रिजोल्यूशन को गवर्नमेंट के सामने भेजते थे? थे और बोलते थे हमें फ्रीडम दो स्पीच की एक्सप्रेशन की हमारे लिए वेलफेयर प्रोग्राम लेके आओ उनको और एक्सपांड करो एजुकेशन को प्रमोट करो इंडियंस को रिक्रूट करो हाई पोस्ट पे फिर लेजिलेटिव काउंसिल में इंडियंस को ज़्यादा मेंबर्स को इंडियंस इंडियंस का नंबर बढ़ा दो ज़्यादा इंडियन मेंबर्स रखो उनकी बातों को सुनो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो लंदन में हुआ करता था मतलब इंग्लैंड में हुआ करता था उसको इंडिया में कराओ और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बदलो ठीक है जिससे कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ भी बेनिफिट में आए इसे और जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है उसको कम कर दो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था भाई हम तो किसी से लड़ते है नहीं आसपास में ब्रिटिश तुम लड़ते हो और मिलिट्री एक्सपेंडिचर हमारे इंडिया से एक्सट्रैक्ट करते हो तो इसलिए ये सब लड़ना वड़ना बंद कर दो स्टॉपिंग द ड्रेन ऑफ इंडिया वेल्थ टू ब्रिटेन ये बड़े प्यार से ब्रिटिशर्स से बोलते थे हमारा जो पैसा तुम ब्रिटेन लेके जा रहे हो वो प्लीज़ मत लेके जाओ so student i'm ending this video here only if you have any doubt any problem do write in comment section we'll start part 2 with british attitude towards congress